क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। कोर्ट ने कहा रुके हुए आम्रपाली प्रोजेक्ट के लिए बैंक दे 1,500 करोड़, जिससे एनबीसीसी 31 मार्च तक ले सके उपयोग में। बंगाल विधानसभा में बवाल, गवर्नर से मिले निलंबित विधायक अमित शाह ने जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। गोवा की पहली कैबिनेट मीटिंग में सीएम प्रमोद सावंत ने पूरा किया पहला वादा, 3 फ्री गैस सिलेंडर की स्कीम जल्द होगी पूरी। सरकारी बंगला खाली करने के आदेश पर रोक के लिए शरद यादव की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब। ईंधन की कीमतों में आग, मुंबई में 115 रुपए तो दिल्ली में 100 के पार हुआ पेट्रोल। कोविड में माता पिता को खोने वाले बच्चों के सुरक्षित हो संपत्ति के अधिकार, राष्ट्रपाल आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में उठाई आवाज। कश्मीर में अलर्ट जारी, आतंकियों के खिलाफ कानून हाथ में ले सकते हैं लोग, कई जगह बनाए जत्थे। अब घर घर राशन पहुंचाएगी भगवंत मान सरकार, केजरीवाल बोले दिल्ली में भी लाना चाहते थे ये स्कीम। अमित शाह की घोषणा, चंडीगढ़ में लागू होंगे केंद्रीय सिविल सर्विलांस रूल, 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे कर्मचारी। भारत की मदद से श्रीलंका में बनेगा मैरिटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, विदेश मंत्री जयशंकर के कोलंबो दौरे पर हुई अहम समझौता। राज्य आबादी के आधार पर हिंदुओं को भी दे सकते हैं अल्पसंख्यक का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दाखिल किया हलफनामा। कल्याण सिंह को मिला मरणोपरांत पद्म विभूषण, विक्टर बनर्जी समेत देश की 64 अन्य विभूतियां सम्मानित। ममता के भतीजे अभिषेक और उनकी पत्नी की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। भारत बायोटेक के एमडी कृष्णामूर्ति और सुचित्रा एला पद्म भूषण से सम्मानित नीरज चोपड़ा को भी दिया गया पुरस्कार। अठारह महीने में हासिल कर लेंगे पीएम आवास योजना, शहरी का मकसद, केंद्र ने दी पीएमए यू के तहत 1.15 करोड़ घरों को मंजूरी। अंबेडकर नगर में पुलिस और एसटीएफ ने चलाया संयुक्त अभियान, अवैध हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। औरैया में चेकिंग अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मादक पदार्थ के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। फिरोजाबाद में ट्रेन चोरी का खतरा, ट्रेन को जंजीरों से बांध कर जड़ा ताला।
फिरोजाबाद में गोमती एक्सप्रेस के नीचे आई महिला सकुशल बची, परिजनों में मच गई थी चीख पुकार। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट के बाद हत्या की वारदात को दिया अंजाम। एसआईटी की टेंपर्ड सूची में शामिल मैनपुरी के 30 शिक्षकों को मिलेगा वेतन, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। समाजवादी पार्टी ने संजय लाठर को उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बनाया नेता विरोधी दल। साल बाद कानपुर से फिर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना संभालेंगे कार्यभार। हाईकोर्ट में आरओ और एआरओ के अभियंतियों के दरवाजे सत्यापन की तिथि घोषित। जीएसटी का नियम, अगर मालिक निकल गया तो निरस्त नहीं होगी ई इनवॉइस। अनुभव और उपयोगिता को देखकर सौंपेगा यूपी सरकार के कई मंत्रियों को विभाग। योगी सरकार 2.0 युवाओं को 100 दिनों में ही देगा रिटर्न गिफ्ट, 20,000 सरकारी नौकरियों का लक्ष्य तय। गलत डाटा देने वाले स्कूलों की मान्यता समाप्त करेगा यूपी बोर्ड, विद्यालयों की हो रही पहचान। योगी आदित्यनाथ सरकार के कई मंत्रियों ने जीता भरोसा, फिर मिले वही विभाग। बीएसपी नेताओं की बैठक में बीएसपी की मुखिया मायावती विधानसभा चुनाव के खराब नतीजों से काफी हैरान। उत्तराखंड के 2 पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को मिलेगी नई सुविधा, जल्द होगी सेवा शुरू करने की तैयारी। मामले में कांग्रेस ने की बड़ी कार्रवाई, विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए खड़ी हुई थी परेशानी। निःशुल्क टैबलेट वितरण में देरी से पुष्कर सिंह धामी खफा, हटाई गई माध्यमिक शिक्षा निर्देशक सीमा जौनसारी। उत्तराखंड में अगले 4 दिन सूखा रहेगा मौसम, पारे में आ सकता है उछाल। हरिद्वार बाईपास रोड चौड़ीकरण का 3री बार टेंडर जारी, 10 साल में 4 लेन नहीं हो पा रही 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क। आखिरकार वन विभाग को हुआ संवेदनशीलता का एहसास, बदले जाएंगे जंगल की आग से क्षति के मानक। जन्मदिन के जश्न में की हर्ष फायरिंग, 2 आरोपित गिरफ्तार। कांचुला के पेड़ों से निकाले गए टुकड़े, रैणी के ग्रामीणों के साथ वन विभाग की टीम निरीक्षण के लिए गई। बद्रीनाथ हाईवे के पास कार खाई में गिरने से 1 की मौत, किच्चा में 2 वाहनों की भिड़ंत, दंपत्ति ने तोड़ा दम।
धर्म नगरी हरिद्वार पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, मेरी छोटी सी भूमि से रोपित सेवा का बीज बन चुका है वट वृक्ष। बद्रीनाथ यात्रा शुरू होने में समय कम, राहगीरों को डरा रहे एक दर्जन से अधिक डेंजर जोन। प्रदेश में नए सत्र से 1802 प्राथमिक और 298 जूनियर हाई स्कूल बनेंगे, उत्कृष्ट शिक्षा निदेशालय ने किया प्लान तैयार। चारधाम परियोजना के लिए प्रदेश के 5 बड़े शहरों के बाहर से यातायात गुजारने के लिए बनाए जाएंगे बाईपास। केंद्रीय ट्रेड यूनियन और अखिल भारतीय सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर बंद एसबीआई में जारी कामकाज। गर्मी बढ़ने के साथ ही तेजी से बिजली की खपत भी बढ़ी, 40 मिलियन यूनिट पर पहुंची बाजार में बढ़े दाम। चीन में बढ़ा कोरोना संक्रमण, शंघाई में लॉकडाउन का दूसरा दिन, अधिक कड़े हुए प्रतिबंध। दुबई एक्सपो में थिर के अनुराग ठाकुर और रणवीर सिंह पीयूष गोयल बोले, सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनना भारत का लक्ष्य। यूक्रेन के चेर्निबिल न्यूक्लियर प्लांट में लगी आग, रेडिएशन के चपेट में आ सकता है पूरा यूरोप। पाकिस्तान में सियासी संकट, मरियम नवाज ने पीएम इमरान खान की उड़ाई खिल्ली, बंदरिया से की तुलना। भारत के साथ बेहद ही करीब से संपर्क में हूं, यूक्रेन वॉर खत्म करने के प्रयासों पर बोले यूएन चीफ। तालिबान का फरमान, सरकारी कर्मचारियों के लिए दाढ़ी रखना और ड्रेस कोड अनिवार्य, नियम तोड़ा तो जाएगी नौकरी। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो अस्पताल में भर्ती, अचानक बिगड़ी तबीयत। कजाकिस्तान में रेडियो होस्ट बोली, ज्यादा बोलोगे तो अंकल पुतिन को हमले के लिए बुला लूंगी, नौकरी से निकलवाया गया। नाटो को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने उठाया कदम, नौसेना के 6 विमान तैनात किए गए। रूस के पक्ष में बोले यूएई के ऊर्जा मंत्री, कहा एनर्जी मार्केट के लिए जरूरी है रूसी तेल, कोई भी उत्पादक नहीं ले सकता इसकी जगह। मैरियुपोल में हर तरफ तबाही का मंजर, पार्कों और स्कूलों में दफन करना पड़ रहा शव। बाइडेन ने किया पुतिन को सत्ता से हटाने के बयान पर माफी मांगने से इनकार, कहा जो महसूस किया वही कहा। जेलेंस्की ने बताया समझौते का फॉर्मूला, कहा तटस्थ स्थिति स्वीकार लेकिन संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं। पाक में 161 मतों के साथ अविश्वास प्रस्ताव पेश, इमरान के करीबी पंजाब के सीएम बुजदार ने दिया इस्तीफा। अमेरिका ने भारत के लिए कोविड-19 यात्रा नियमों में दी ढील, लेवल 3 से लेवल 1 तक घटाया।
प्रीति चिंटा ने अपने जुड़वा बच्चों के पहले आईपीएल खेल को यादगार बनाने के लिए पंजाब किंग्स को कहा धन्यवाद। महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूकी टीम इंडिया, दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से हराया। आईपीएल 2022 के चौथे मुकाबले में गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल ने हवा में छलांग लगाकर पकड़ा हैरतअंगेज कैच। कृणाल ने हार्दिक का विकेट लिया तो वाइफ नताशा ने पकड़ा माथा, मिलर के आउट होने पर चिल्ला पड़ी। कनाडा ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई, 36 साल बाद सिर्फ दूसरी बार बनाई जगह। संजू सैमसन को अपनी टीम का कप्तान बनाना हो सकता है फायदेमंद, राहुल तेवतिया और राहुल त्रिपाठी पर भी खेल सकते हैं दांव। आईपीएल के ब्रांड वैल्यू को लेकर ललित मोदी ने दी प्रतिक्रिया, कहा 55,000 करोड़ की लग सकती है बोली। विराट कोहली ने महिला टीम को दिया संदेश, बताया कैसा होता है टूर्नामेंट से बाहर होने का दुख। आयुष बदोनी ने डेब्यू मैच में 50 जड़ बनाया अनोखा रिकॉर्ड, मैच में खेली थी 185 रन की पारी। पहले ही मैच में ईशान किशन ने रचा इतिहास, तोड़ा सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन में गुजरात ने दर्ज की रोमांचक जीत, लखनऊ को 5 विकेट से हराया। गुजरात लॉयंस के बाद अब गुजरात टाइटंस के खिलाफ 0 पर आईपीएल में आउट हुए केएल राहुल। इस सीजन बेहद खतरनाक नजर आ रही है टीम राजस्थान रॉयल्स, सभी को चौंका कर जीत सकती है आईपीएल ट्रॉफी। उमेश कुलदीप और ललित चमके तो वीरेंद्र सहवाग बोले, अभी तक याद वो की आईपीएल। पंजाब के खिलाफ विराट कोहली ने खेली आतिश पारी, तोड़ा टी20 रिकॉर्ड। कैरेट गोल्ड के भाव 250 रुपए कम, चांदी में भी 500 रुपए की गिरावट। पीएम के फ्री सिलाई मशीन योजना 2022 में गांव हो या शहर, देश की आधी आबादी होगी आत्मनिर्भर। भारत का रुपए में पेमेंट करने का कोई इरादा नहीं, संसद में दी गई जानकारी। मकान खरीदना होगा मुश्किल, ग्राहकों पर पड़ेगी बड़ी कीमतों की मार। ग्रेच्युटी रकम 15 दिनों के आधार पर ही होगी कैलकुलेट, श्रम राज्य मंत्री ने कहा, इसे 30 दिन करने का अभी कोई इरादा नहीं। रुचि सोया के एफपीओ में लगाई गई बोली, वापस लेने का मौका, सेबी के आदेश पर कंपनी ने निवेशकों को दिया विकल्प।
जीवन बीमा परिषद सर्वेक्षण के अनुसार अहमदाबाद के 82% लोगों का मानना है कि कोविड-19 महामारी के बाद जीवन बीमा को अधिक महत्व मिल रहा है। रेलवे ने किया 221 ट्रेनों को कैंसिल, 19 ट्रेनों को किया गया डाइवर्ट। ₹37 लाख के पार जा सकता है बिटकॉइन, बीते 24 घंटे में करीब 1.8% उछाल। शेयर बाजार में जारी रहेगा उतार चढ़ाव का दौर, वैश्विक रुख तय करेगा बाजार की चाल। पॉजिटिव वैश्विक रुख से शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 20 अंकों की उछाल, निफ्टी में 63 अंकों की तेजी। सरसों का तेल हो गया सस्ता, सोया तेल की कीमतों में भी गिरावट। अब जल्द दो और कंपनियां लेकर आ रही आईपीओ, मिलेगा कमाई का मौका, सेबी के पास जमा कराए डॉक्यूमेंट्स। प्राकृतिक गैस के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी के आसार, महंगाई का लग सकता है झटका। चेयरमैन डीके मल्होत्रा ने दिया इस्तीफा, एमडी लतिका कुंजू पर कुप्रबंधकार। जुबिन नौटियाल और निकिता दत्ता एक साथ हुए स्पॉट, सिंगर ने बीच शो में लेडी लव के लिए गाया रोमांटिक सॉन्ग। आखिरकार खत्म हुई रणबीर और आलिया के ब्रह्मास्त्र पर 5 साल की लंबी मेहनत, गंगा घाट पर अलग अंदाज में दिखे दोनों। अगर कोई मेरी मां और बहन का मजाक उड़ाता तो मैं यही करती, एक्ट्रेस कंगना रनौत ने किया विल स्मिथ को सपोर्ट। विद्युत जामवाल शेर सिंह राणा की बायोपिक पर करेंगे काम, श्री नारायण सिंह कर रहे डायरेक्ट। केजीएफ चैप्टर 2 के ट्रेलर को मात्र 24 घंटे में मिले 109 मिलियन से ज्यादा व्यूज, बनाया रिकॉर्ड। टाइगर श्रॉफ ने पूरा किया रकुलप्रीत का टैग चैलेंज, अब जैकी भगनानी और सामंथा रुत प्रभु की बारी। विल स्मिथ ने जारी किया माफीनामा, मैं सबके सामने माफी मांगना चाहता हूं क्रिस, मैं गलत था। बनर्जी ने दिखाई बेटी की पहली झलक, क्यूट सी स्माइल पर फिदा हुए फैन। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी पर बुआ रीमा जैन ने तोड़ी चुप्पी, अप्रैल में वेडिंग को लेकर कहा मुझे शादी की डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अब मनीष सिसोदिया ने कश्मीर फाइल्स को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा फिल्म ने 200 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी,
सच साहस सरोकार।